हेलो दोस्तों, दोस्तों आज हम सीखेंगे गोडाउन होते हैं अलग अलग तरह के, जो हम गोडाउन मेंटेन करते हैं या स्टोर मेंटेन करते हैं, या अगर एक ही जगह पर आप अगर चाहते हैं कि अलग अलग प्लेसेस टाइप का अगर मेंटेन करना चाहते हैं स्टॉक, तो उसको कैसे करें हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपका ये, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये फीचर्स जो है सिल्वर वर्जन के अंदर है और गोल्ड वर्जन के अंदर है। अगर आप बेसिक एडिशन यूज़ कर रहे हैं तो बेसिक एडिशन में ये फीचर्स नहीं है। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपना सॉफ्टवेयर जो बेसिक से है सिल्वर अपग्रेड जरूर करवाएं, तभी ये फीचर आप यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको ये ऑन करना है, कैसे आपको सेट करना है, कैसे आप इसका रिफ्लेक्ट देखेंगे। तो जब आपका सॉफ्टवेयर ऑन होगा, यानी कि जब आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, तो आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है। आपको मास्टर में आना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हम इन्वेंटरी मास्टर में आए तो यहाँ पे आपको आइटम मास्टर, कंपनी मास्टर, ग्रुप मास्टर, ये सारे के सारे दिख रहे हैं, पर आपको यहाँ पे स्टोर मास्टर नहीं दिख रहा, जिसे हम गोडाउन कहते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है। आपको आना है मार्क सेटअप में, और मार्क सेटअप में आने के बाद आपको जाना है कंट्रोल रूम में, और यहाँ पे सर्च इन ऑल पे आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है गोडाउन। जैसे ही गोडाउन टाइप कर देंगे तो आपको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद आप यहाँ पे बता देंगे कि आपके टोटल कितने गोडाउन हैं। सपोज कि आपके 2 गोडाउन हैं, 4 गोडाउन हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने मर्जी भी आपके गोडाउन हैं आप यहाँ पे डाल देंगे। सपोज कि मेरे जो हैं 4 गोडाउन हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको एक ऑप्शन और दिखता है, आस्क स्टोर, मतलब कि ये आपसे पूछता है कि ये स्टोर आपको कहाँ पे कैसे ओपन कराना है, या आपको कैसे यूज़ करना है। तो इसमें आई का मतलब, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आई का मतलब है कि आस्क वन टाइम इन इनवॉइस, मतलब कि चाहे आप परचेज चढ़ाएं चाहे आप सेल चढ़ाएं, वन टाइम आपसे ये पूछेगा कि ये स्टॉक आप कौन से गोडाउन से निकालना चाहते हैं। तो ये उस चीज के लिए बोल रहा है। ई का मतलब है कि आस्क इन पर एंट्री, जब भी आप एंट्री करेंगे आइटम वाइज, जैसे कि कभी कभी ये होता है कि जैसे ही आपने परचेज किया, बल्क परचेज करा आपने, कोई भी सपोज कि एक पानी की बोतल परचेज करी आपने, और आप चाहते, आपने बल्क परचेज कर ली है 100 पीस। अब आप चाहते हैं, आपके पास 4 गोडाउन है या 4 स्टोर है, आप चाहते हैं कि उसमें से 25 बोतल आपके इस वाले गोडाउन ए बी जो दिल्ली के गोडाउन में चले जाए, 25 बोतल आपके मुंबई के गोडाउन में चले जाए, 25 बोतल आपके उड़ीसा में चले जाए, 25 बोतल आपके किसी और शहर में चले जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ई प्रेस करना पड़ेगा, ताकि हर आइटम वाइज आपसे वो स्टोर पूछे। उसके बाद है एस, डिफॉल्ट सेल्स एंड परचेज बिल, मतलब कि जब भी आप सेल बिल या परचेज बिल ओपन करेंगे तो आपसे ये पहले ही पूछ लेगा कि ये कौन से गोडाउन के लिए आपने परचेज किया है, या सेल, या फिर आप सेल कर रहे हैं। और डी का है कि ऑटो सिलेक्टेड स्टोर इन सेल्स, कि जो भी आप लास्ट काम करेंगे जहाँ पे भी, वो ऑटो सिलेक्टेड हो जाएगा। इनमें से आपको जो है, जैसा भी आपका वर्क है, कि आप जो दो नीचे के ऑप्शन दिए हुए हैं ये इतना यूजफुल नहीं है, मतलब कि लोग ज़्यादातर या तो आप बिल वाइज करते हैं या फिर आइटम वाइज करते हैं। आप चाहेंगे कि जब मैं बिल चढ़ाऊं तब मेरे से गोडाउन पूछ लें, या फिर आप चाहेंगे कि जितनी बार मैं आइटम को अपने बिल में एंटर करूं तब वो मेरे से गोडाउन पूछ ले। तो यही दो ऑप्शन मोस्टली यूज होते हैं, तो आप इनमें से चूज कर लें कि आपका काम बिल वाइज होता है या आइटम वाइज। जब आप ये चूज कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप, जैसे कि मैं यहाँ पे आई यूज़ कर लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आई ही होता है क्योंकि बिल वाइज ही मोस्टली परचेज होते हैं, तो मैंने आई चूज करके, उसके बाद आपको इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, आपको बस एंटर एंटर कर देना है। दोबारा से आप यहाँ पर आ जाएंगे कंट्रोल रूम, जहाँ पे सर्च इन ऑल पे आपने एंटर किया था। अब यहाँ पे आपको दोबारा एंटर नहीं करना, आपको स्केप करके यस करना है। अब जैसे ही यस करेंगे तो ये जो है आपका, जो आपने ये ऑप्शन ऑन किया है, तो ये आपके पूरे डेटा को एक तरह से रिफ्रेश करेगा, मेंटेनेंस करेगा, मतलब सारी चीज़ों को जो आपने अंदर ऑन किया है उसको ओपन करेगा, क्योंकि ये वन टाइम चाहिए होता है। तो जैसे आप इस पे यस करेंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और ऑटोमेटिक एक सेटअप हो जाएगा आपकी कंपनी के अंदर। अब जैसे ही हमने इस ऑप्शन को ऑन किया, दोबारा से हम मास्टर में चलते हैं और इन्वेंट्री में जाते हैं, तो आप देख रहे हैं स्टोर मास्टर, पहले ये स्टोर मास्टर नहीं था। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखें, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया। तो ये छोटी सी सेटिंग करने के बाद आपका ये स्टोर मास्टर ऑन हो गया। अब इसका कैसे यूटिलाइज करना है, अब हम इसी स्टोर मास्टर पर क्लिक करते हैं, और सब पहले है इसमें बाय डिफॉल्ट मेन स्टोर और स्क्रैप स्टोर बना होता है। अब सपोज कि आप एक दिल्ली में, अब जो आपके स्टोर्स हैं कुछ 3 अलग लोकेशंस पे हैं, तो मैं जैसे इसमें क्रिएट कर देता हूँ, और क्रिएट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है,
और आप कुछ भी काम करेंगे मार्क के अंदर, तो आपको यहाँ पर देखिए, आप नीचे की साइड में देखिए जहाँ पे एक यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको क्या करना है। F2, देखिए जैसे लिखा हुआ है कि F2 से आपका न्यू क्रिएट होगा, F3 से मॉडिफाई होगा, डिलीट से आपका डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं F2 करता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टोर का नाम दे देता हूँ दिल्ली, और उस स्टोर के दिल्ली का जो एड्रेस है पूरा का पूरा एड्रेस मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो जितना भी आपका बड़ा एड्रेस हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो दिल्ली ये क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही मैं एक और स्टोर क्रिएट कर लेता हूँ मुंबई के नाम से, और मुंबई का मैं यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देता हूँ। और ऐसे ही मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ हरियाणा, और उसका भी आप पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के लिए आपके पास 4 लाइनें, चाहे कितना भी बड़ा आपका एड्रेस हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे जो है 3 स्टेट बन चुके हैं, और एक बाय डिफॉल्ट जो मेन स्टोर मेरा है वो है ही। आपके जितने भी स्टोर हों आप ऐसे F2 करके क्रिएट कर सकते हैं, अगर किसी में आपकी गलती हो गई हो तो F3 से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने F3 प्रेस किया तो अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप अपने स्टोर बना ले तो उसके बाद आप इसको स्केप स्केप कर दें। अब हम देखते हैं कि इसका रिफ्लेक्ट कैसे होगा। अब हम एक परचेज चढ़ा लेते हैं, और हमारे पास एक भी आइटम नहीं है तो हम एक बार एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से। मैंने एक आइटम क्रिएट कर लिया और बाकी की डिटेल हम बाद में फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपना MRP और जो भी मेरा सेल रेट है वो मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। आइटम मेरा क्रिएट हो चुका है। अब हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इस ऑप्शन का आप यूटिलाइज कर पाएं। अब मैं एक परचेज चढ़ा लेता हूँ। अगर कभी भी आप परचेज चढ़ाएं और वो लेज़र आपका यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पे F2 से क्रिएट कर सकते हैं। F2 करके आप एंटर करेंगे, उस लेज़र का आप यहाँ पे डिटेल डाल देंगे, जो भी डिटेल मीन्स कि उसका फर्म नेम क्या है, एड्रेस क्या है। मैं अभी फिल नहीं कर रहा, आप उसको फिल कर सकते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि अगर मैं फिल करूँगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो जो भी उसकी डिटेल्स है आप डिटेल फिल कर लेंगे और वो पार्टी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं इसकी पर्चे चढ़ा लेता हूँ। जैसे ही एंटर किया, बिल नंबर मांगा इसने, और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, और ये माल मेरे पास क्रेडिट में ही आया। अब जैसे ही मैंने क्रेडिट वाला जो ऑप्शन, यानी कि जब वो ऊपर के सेक्शन कंप्लीट हुए, तब आपको यहाँ पर दिखेगा स्टोर। ये जो आप सामान खरीद रहे हैं मेन स्टोर में, ये आपका सामान जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये मेन स्टोर के लिए मैं नहीं परचेज कर रहा, मैं ये दिल्ली के लिए परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब ये ऑप्शन आ जाएगा तो आपको स्पेस का बटन दबाना है। लेकिन यहाँ पे इस बार जो है ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि कौन सा बटन दबाना है आपको। आप स्पेस का बटन दबाएं इस चीज़ के लिए। जैसे ही आपका जो स्टोर है वो ब्लैक यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, ब्लैक शाइन में, तब यहाँ पे आपको स्पेस का बटन दबाना है। अब मैं स्पेस का, और ये कैसे आएगा ऑप्शन, जब आप अपने हेडर के ऑप्शन को कंप्लीट कर लेंगे। हेडर के ऑप्शन को मतलब कि आप अपने पार्टी को चूज कर लेंगे, अपने पार्टी का बिल नंबर डाल देंगे, और जैसे ही ऑप्शन नीचे आएगा तब आपको स्पेस का बटन दबाना है। अब मैं कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबा रहा हूँ। जैसे ही मैंने स्पेस का बटन दबाया तो मेरे सारे स्टोर्स खुल गए। सपोज कि मैं इसको दिल्ली के लिए परचेज कर रहा हूँ आइटम को, और ये जो टैक्स पूछ रहा है ये इसलिए पूछ रहा है कि हम जो जब मैंने अभी इसका जो लेज़र बनाया उसमें GST डाला नहीं, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या आपने GST दिया है या नहीं दिया है। अगर आपने दिया है तो आप यस करें, ये नहीं दिया तो आप उसे नो करें। उसके बाद आपकी आइटम सेक्शन में आ गया, और उसके बाद मैं इसकी परचेज डाल देता हूँ कि मेरे को ये मैंने 5,000 पीस परचेज किए हैं, सपोज 10 रुपये के हिसाब से मैंने परचेज किया, और जो भी आपका डिस्काउंट वगैरह है अगर मिला है आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और इसको नो करता हूँ, मुझे कोई भी डिटेल ऐसी चेक नहीं करनी अभी, और मैंने अपने बिल को सेव कर दिया। मेरा बिल सेव हो चुका है। अब मेरे को चेक करना है स्टॉक, तो मैं स्टॉक के मेन्यू में आऊँगा। आप अपने जो मेन्यूज हैं सारे के सारे ऊपर एक ऐसी स्टॉक का मेन्यू है, आप करंट स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पहले ही पूछ लेगा कि आपको दिल्ली का स्टोर देखना है, हरियाणा का स्टोर देखना है, मेन स्टोर देखना है, या कहाँ का देखना है। यदि आपको सभी स्टोर देखने हैं तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो स्टार का बटन दबा दें,
और यदि आप सभी नहीं देखना चाहते तो आप पर्टिकुलर हर जगह पे जाके स्पेस का बटन दबाएं, जैसे कि मैं सिर्फ दिल्ली देखना चाहता हूँ और मुंबई देखना चाहता हूँ, तो स्पेस स्पेस के बटन से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं सबको अनसेलेक्ट कर देता हूँ, बस प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया है कि कैसे करना है। मैं चूज़ कर लेता हूँ दिल्ली के स्टोर को, तो दिल्ली के स्टोर में वाटर बॉटल मेरे 5000 पीस हैं। और अब मैं चेक करता हूँ कि मैं मुंबई के स्टोर में चेक कर लूँ कि कितने वाटर बॉटल पड़े हैं, तो मैं मुंबई के स्टॉक में गया, तो मुंबई में देख रहे हैं आप वाटर बॉटल एकदम जीरो पड़ा हुआ है। और अगर वही मैं चेक करना चाहूँ कि मुझे देखना है अपने हरियाणा वाले स्टोर में, तो हरियाणा का मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर भी जीरो पड़ा है। अब यहाँ पे आपको परचेज का क्लियर हो गया होगा, स्टोर कैसे बनाते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा जो कि मोस्टली सभी का क्वेश्चन होता है कि अब मैं दिल्ली से जो मेरे स्टॉक जो मैंने इनेबल की जो एंटर किए थे स्टॉक, अब उसको मैं दिल्ली से जो है मुंबई ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, और वो भी स्पेसिफिक एक क्वान्टिटी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए अब आपको आना है ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में आपको आना है स्टॉक इशू के अंदर। स्टॉक इशू में आप रिटेल भी ये होलसेल चूज करेंगे, जैसे ही आप होलसेल चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और आपको लेजर लेना है यहाँ पे स्टोर टीएफ। स्टोर टीएफ का मतलब है स्टोर ट्रांसफर। तो जैसे आप स्टोर टीएफ लेंगे और यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं जो भी लेके जा रहा है, जैसे कोई भी गाड़ी, जैसे बाय आप देख रहे हैं कि इसमें बाय अगर कोई ट्रक लेके जा रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रही है, या कोई भी किसी से आप अदर सर्विसेज ले रहे हैं पहुँचाने के लिए, तो उसकी डिटेल डाल सकते हैं प्रॉपर। तो मैं इसको एक स्किप कर देता हूँ अभी और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब देख रहे हैं कि ये फ्रॉम कि कहाँ से कहाँ पे, यानी फ्रॉम जैसे कि मैं दिल्ली से ही, अगर यहाँ पे आप मल्टीपल चूज करना चाहें, जैसे मैंने आपको परचेज में बताया कि आपको स्पेस का बटन दबाना पड़ेगा और यहाँ से चूज कर सकते हैं, तो मैं दिल्ली से, अब ये पूछ रहा है टू मतलब मैंने बताया कि मुंबई भेजना है मुझे, तो मैंने मुंबई चूज कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पे दिल्ली शो भी नहीं कर रहा क्योंकि दिल्ली को हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो फ्रॉम मतलब कि जहाँ पे आपका स्टॉक है वहाँ से आप निकाल कर, और टू मतलब जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं। तो मैं इसको मुंबई भेजना चाहता हूँ और उसके बाद इसको मैंने यस कर दिया। अब ये बोल रहा है कि बिल बेस पूरा का पूरा मतलब बिल करना है या मिनिमम बेस करना है, जो रिसीव है इशू करना है, तो आप यहाँ पे मैनुअल चूज करें। अब यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि फ्रॉम में दिल्ली है, टू में मुंबई है। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो मुझे 5000 पीस दिख रहे हैं और मैं मुंबई में 2000 पीस से भेज देता हूँ। तो मुंबई में मैंने 2000 पीस भेज दिए हैं, और यहाँ पे भी आप जो है रेट वगैरह लगा के रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 11 डाल देता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड के बटन से। एंड के बटन से ये सेव हो चुका है। अब इसकी रिसिप्ट वगैरह आप देना चाहें तो इसकी रिसिप्ट भी दे सकते हैं। अभी इसमें कोई रिसिप्ट नहीं आ रही, इसके लिए जो है बिल फॉर्मेट में एक सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो उसके बाद मैं स्केप कर देता हूँ और मैं अपना स्टॉक चेक करता हूँ। तो मैं अपने करंट स्टॉक में गया और मैं दिल्ली चेक करता हूँ, तो दिल्ली में आप देखेंगे कि 3000 स्टॉक बचा हुआ है। ये इसलिए बचा है कि मैं 2000 स्टॉक ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अगर आपको प्रॉपर इस आइटम की डिटेल देखनी है तो आप इसी पे एंटर करें और कंटिन्यूसली जिस डेट से जिस डेट तक की स्टेटमेंट देखना चाहते हैं एंटर करें, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि SB ट्रेडर से आपको माल रिसीव हुआ है 5000, और आपने जो है दिल्ली से मुंबई अपने इस माल को भेजा 2000, तो अब आपके पास बैलेंस रह गया 3000 स्टॉक का। तो ये प्रॉपर भी रिपोर्ट देख सकते हैं आप। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि जो मुंबई में मैंने भेजा है, मुंबई में कितना स्टॉक अभी वहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने मुंबई चूज़ किया तो मुंबई में मेरे को 2000 स्टॉक शो कर रहा है। इसकी भी रिपोर्ट देखना चाहें तो आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि दिल्ली टू मुंबई का ये मतलब जो ट्रांसफ़र स्टॉक है 2000 इसको रिसीव हुआ है। और ऐसे ही अगर मैं किसी और में देखूंगा तो वो अभी तक जीरो ही दिखाई देंगे, क्योंकि अभी हमने उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करी, जैसे हरियाणा में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है तो ये जीरो दिखाई दे रहा है। अब एक ट्रांजेक्शन हम और कर लेते हैं कि अब होलसेल पे मैं स्टॉक इशू के होलसेल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको ध्यान रखें इस चीज़ का, वो ऑप्शन आपके पास जब ही आएगा जब आप यहाँ पे चूज करेंगे स्टोर टीएफ। स्टोर टीएफ का मतलब है कि ट्रांसफर, आपका जो गोडाउन है, स्टोर है, जो भी आपका गोडाउन आपने बना रखा है, वेयरहाउस जो आपने बना रखा है, वहां से कोई भी ट्रांसफर करते हैं स्टॉक किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो ये लेजर आपको लेना मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इसे चूज करेंगे तो उस डिटेल डालेंगे, आप किसी गाड़ी या किसी भी चीज से आपने भेजी है तो वो डिटेल आपको डाल देंगे, और उसके बाद आप जैसे ही क्रेडिट जो भी अगर ये ऑप्शन है आपके पास क्रेडिट कैश का, और यदि नहीं है तो फिर डायरेक्टली आपके फ्रॉम वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। तो आप दिल्ली, अब मैं भेजना चाहता हूँ मुंबई से हरियाणा में,
मुंबई से हरियाणा में मेरे को भेजना है 36 पीस भेजना, तो मैंने 36 पीस भेज दिया और यहाँ पे मैंने रेट लगा दिया 12 रुपये। आप अपने हिसाब से रेट को डिसाइड भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ और मैं एंड के बटन से इसको सेव कर देता हूँ। जो कीबोर्ड पे हमारे पास एंड का बटन होता है उससे आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंट्रोल डब्ल्यू के बटन से भी सेव कर सकते हैं। अब मैं इसको स्केप स्केप कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि हरियाणा के स्टोर में मेरे पास 36 पीस रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मैं हरियाणा पे जाके एंटर करता हूँ, तो 36 पीस मुझे रिसीव हो चुके हैं हरियाणा से। अब मैं चेक करता हूँ क्या 36 पीस लेस हुए हैं या नहीं हुए हैं मेरे मुंबई वाले स्टोर से। तो मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए 2000 पीस थे बट अब इसमें 1964 रह गए, यानी कि 36 पीस अब हरियाणा में जा चुके हैं। तो कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें गोडाउन का काम करने में। आप बेहिचक बहुत एक छोटी सी सेटिंग है उसको करके आप इसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लाइक कर दो इसको और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।